हेलो दोस्तों, मेरा नाम है खुर्शीद आलम और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल भरगेन का शेफ। क्रिसमस की आप सबको बहुत बहुत मुबारक, आप सबको हैप्पी क्रिसमस। इस क्रिसमस पे मैं आपके लिए लाया हूं केक मिक्सिंग। आप लोग ने बहुत बार फेसबुक पे फोटो देखे होंगे, लोग केक मिक्सिंग करते हैं और वीडियो भी देखे होंगे, लेकिन इसमें क्या क्या डालते हैं ये आपको पता नहीं होगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्रिसमस प्लम केक मिक्सिंग के लिए हम लोग क्या क्या यूज करते हैं और क्या क्या डालना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कितनी सारी तैयारी मैंने कर रखी है। ये तैयारी करना जरूरी है। देख रहे हैं आप, मैंने सारी तैयारी कर रखी है, बॉल भर भर के चीजें रखी है। कौन सी चीज कितनी है मैं आपको डालने के टाइम दिखाता जाऊंगा और आपने चीजों को ऐसे काट के भी रख लेना जैसे कि हमने काट के रखी है। देख रहे हैं आप, सारी चीजें तैयार होना चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं और क्या कितना लिया साथ में आपको बताता भी हूं। मैं इसमें डालने वाला हूं सबसे पहले एक टीन काजू। काजू का वजन है 10 किलो, एक टीन में 10 किलो आता है। तो ये देखिए, और आपने एक ऐसी बड़ी परात लेनी है, इसमें डालना है। देखिए, ये है 10 किलो काजू। देखे ना, काजू आप 2 फाड़ा या 3 फाड़ा ले ऐसे, ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद आपने इसमें डालना है किशमिश। किशमिश का वजन है 5 किलो। किशमिश में से आपने पहले लकड़ी बीन लेनी है, हमने बीन के रखी है, देखे ना। उसके बाद 4 किलो बादाम। बादाम को आपने 1 का 3 1 का 4 काट लेना जैसे कि हमने काटा है इस तरीके से। 4 किलो सुल्ताना, ये काले किशमिश है, ब्लैक किशमिश, इसको सुल्ताना बोलते हैं, आप जो भी अपनी भाषा में बोलते हैं, लेकिन आपने ये 4 किलो डालना है। 3 किलो आपने इसमें डालना है चेरी। चेरी आपको पता ही है, ड्राई चेरी। 4 किलो आपने इसमें डालना है अंजीर। अंजीर को भी आपने 1 का 4 काटना है, इससे ज्यादा छोटा ना काटें। 2 किलो हरा टूटी फूटी, 2 किलो लाल, 2 किलो पीला, और आपने इसमें डालना है 2 किलो ऑरेंज मामलेट। अगर आपके पास मामलेट नहीं है या फिर आप मामलेट डालना नहीं चाहते हैं 2 किलो, तो आपने क्या करना है, संतरे के छिलके मिलते हैं, ऑरेंज पील, वो आप 2 किलो लें और छोटा छोटा काट के डाल दें। मैं ऑरेंज पील नहीं डालूंगा, इसके लिए मैं ऑरेंज मामलेट डाल रहा हूं 2 किलो। तो आपने क्या करना है, 2 किलो मामलेट या फिर ऑरेंज पील डालना है, और आपने इसमें डालना है ये 2 किलो खजूर। खजूर को भी आपने ऐसा छोटा छोटा काट लेना है जैसे कि मैंने काटा, और आपने इसमें डालना है 1.5 किलो प्लम। ये आसानी से मिल जाता है, आजकल आप मॉल में जाते हैं तो वहीं इसके पैकेट रखे होते हैं, तो ये वो है, आपने इसको छोटा छोटा काट के डालना है। और कम से कम ये 250 ग्राम सिनेमन स्टिक पाउडर, सिनेमन स्टिक को आपने पीस लेना है। पहले मैं 250 ग्राम डाल रहा हूँ, अगर जरूरत पड़ेगी मिक्स करने के बाद तो मैं और डालूंगा। 3 टेबल स्पून जायफल। ये सारी चीजें परात में डालने के बाद आपने क्या करना है, परात को रखना है टेबल के ऊपर, जो मैं रख चुका हूं और मैंने अकेले उठाया है। उसके बाद आपने ग्लव्स पहनना है, आज ग्लव्स की जरूरत है, तो पहले पहले पहनना भी जरूरी है क्योंकि इसको हम पकाने वाले नहीं है, अभी बहुत दिन के बाद पकाते हैं, नहीं तो मुझे बहुत गाली पड़ने वाली है। तो ऐसे ग्लव्स पहनने के बाद आपने क्या करना है, अब दिखाता हूं। हम इसमें डालेंगे ये है ओल्ड मॉम। आजकल लोग बहुत सारी शराब डालते हैं, लेकिन जो असली रेसिपी है उसमें सिर्फ ओल्ड मॉम पड़ता है, क्योंकि मैं ये 96 से बना रहा हूं। ये जो मिक्सर है ना, मैं 96 बहुत छोटा था तब से ये बना रहा हूं, तो हमने हमेशा ये डाला है। आपकी मर्जी है, क्योंकि आजकल थोड़ा मॉडर्न हो गया जमाना, लोग दिखाते हैं फेसबुक वीडियो में, यूट्यूब पे फोटो खींचते हैं, इसके लिए वो अलग अलग दारू डालते हैं, लेकिन असली रेसिपी यही है। इसमें जो मजा है वो किसी में नहीं है। मैं भी वाइन डालने वाला हूं, वीडियो बना रहा हूं इसके लिए, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, हम लोग भी इवेंट करने वाले थे लेकिन फिर हमने किया नहीं, इसके लिए मैं सोचा आपको बना के अच्छे से दिखा दे रहा हूं। लेकिन आप वाइन डालें या ना डालें ये आपकी मर्जी है, चाहिए ये तो। मैंने 6 बोतल ओल्ड मॉम के लिए और 4 बोतल वाइन के लिए, तो डालना स्टार्ट कर। ये देखिए अब आएगा ना मजा,
इसी तरीके से सारी बोतल डालेंगे। इससे पहले आपने बनते हुए देखा होगा, फोटो खींचे हुए देखे होंगे, फेसबुक पे देखा होगा, लेकिन क्या क्या डालते हैं इसमें शायद आपको किसी ने बताया नहीं होगा। तो मैंने सोचा लाओ ये नेक काम मैं ही करता हूं, तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और मेरी रिक्वेस्ट है मेरे भाइयों से, मुझे गाली ना दें, ये ना बोले कि ये दारू है ये है, तो ये काम है, काम में कोई दारू नहीं होती है, क्योंकि काम बहुत ही जरूरी है, धर्म से बड़ा कर्म है, कर्म भी करना जरूरी है, तो इससे मेरा घर चलता है खाना बनाने से। तो खाने में जो जो चीजें पड़ती हैं मैं सब कुछ करता हूं, तो आप इसको धर्म से ना मैच करें, ये रिक्वेस्ट है। ये हमारा काम है खाना बनाना, तो हम बनाएंगे। तो ऐसे आपने डाल दी दारू, जो भी डालना है। अब हम इसको मिक्स करेंगे, अभी दो बोतल बाकी है तो वो भी डालता हूं। 1, 2, 3 अब आपने ऐसे मिक्स करना है। अब ये नीचे देखिए कितनी ज्यादा दारू हो गई है, ये कम कैसे होगी वो भी आपको दिखाता हूं, एकदम नजदीक से दिखाता हूं। ये देखिए, देख रहे ना आप, अब इसके अंदर आपने ऐसे अच्छे से मिक्स करना है, जैसे कि आप आटा गूंदते ना, ऐसे गूंदना है इसको, ऐसे आपने गूंद लेना है जैसे कि आटा गूंदते हैं। और दारू ज्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि ये सारे फ्रूट भीग जाएं और ये फूलेंगे भी, अगर आप कम डालेंगे ना तो ये अच्छे से फूल नहीं पाते। ये देखिए, और इसकी खुशबू इतनी प्यारी आती है ना, ऑरेंज मार्मलेड की वजह से और सिनेमन स्टिक की वजह से, मतलब मजा आ जाता है। अब आप इसका कलर देखिए, जैसे जैसे मैं मिक्स करूंगा, टाइम लगेगा, वैसे वैसे ये और भी खूबसूरत होता जाएगा और इसकी खुशबू और भी अच्छी आती रहेगी। अभी मैं इसमें थोड़ा सा सिनेमन स्टिक पाउडर और डालूंगा, क्योंकि मजा नहीं आया, जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। तो पहले मिक्स करता हूं, क्योंकि मैं अकेला तो टाइम तो लगने वाला है, क्योंकि इसको ना 10-12 लोग फिट्टे होके मिलाते हैं, जैसे आपने देखा ही होगा हमेशा, लेकिन हम बेकरी वाले हैं जनाब, हम अकेले ही मिलाते हैं, क्योंकि हमने इतना ज्यादा आटा लगाया ना। तो ये देखिए, फटाफट अभी मिला के खत्म करता हूं, फिर इसको रखना कैसे वो भी आपको दिखाता हूं। ये देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है, मैंने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है, और मिक्स करते करते मेरी उंगली के जो पोरे होते हैं ना वो दर्द करने लगे, क्योंकि ऐसे ऐसे मिक्स करने में ना बहुत ही मेहनत लगती है, और ड्राई फ्रूट उंगलियों में लगे तो ये दर्द होने लगे हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको एक बॉल में डब्बे में भर के पैक करके रखूंगा। कितने दिन आपने पैक करके रखना है ये आपको बताता हूं। आपने एक कोई भी डब्बे में पैक करके इसको कम से कम 10 दिन रखना है, और उसके बाद इसको इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये अच्छे से दारू में भीग चुका है तो ये फूल जाएगा 10 दिन में। आप इसको 6 महीने तक आराम से रखेंगे फ्रिज के बाहर तो भी इसमें कुछ होगा नहीं, इसकी सेल्फ लाइफ होगी अब 6 महीने की। और आप इसमें जावित्री का पाउडर, लौंग का पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन हम क्या है और भी चीजों में इसको इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए मैं नहीं डाल रहा हूं। अगर आप सिर्फ थोड़ा सा मिक्स कर रहे हैं ओनली प्लम केक के लिए, तो आप इसमें जावित्री का थोड़ा सा पाउडर और थोड़ा लौंग का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो अब ये देखिए, जैसे कि आपको मैंने बता दिया मिक्स हो गया है, तो मैं आपको डब्बे में भर के कैसे रखना है ये भी दिखाता हूं। अब मैं इस डब्बे में ये ऐसे डाल दूंगा, पूरा भर दूंगा, तो आपने भी इसी टाइप का डब्बा लेना है और इसमें पूरा भर देना है। ये 50 किलो का है, इसके लिए मैंने इसको लिया है ताकि इसमें सारा अच्छे से आ जाए। आपने लास्ट में क्या करना है, परात इसको ऊपर रखना है ऐसे, ये देखिए इस तरीके से, और पूरी परात को ऐसे पोंछना है, देखिए, और सब कुछ ऐसे लास्ट में इसके अंदर डाल देना है, देखिए, वेरी नाइस। अब क्या करना है, सबसे लास्ट में आपने इसके ऊपर ऐसे सिलो फॉल लगाना है, पहले सिलो फॉल से पैक करें अच्छी तरीके से, देखिए, ताकि इसकी जो खुशबू है ना वो बाहर ना निकले, ऐसे आपने पैक करना है। हम लोग क्या करते थे पहले, बचपन में बता रहा हूं, इसको 1 महीना पहले भिगाते थे,
लेकिन तब क्या है, हम लोग इतनी दारू नहीं डालते थे क्योंकि हम बेकरी में थे, बेकरी में इतनी दारू कहाँ मिलने थे। लेकिन इसमें दारू बहुत है, तो ये क्या होगा ना, एक हफ्ता 10 दिन काफी है आराम से बढ़िया तरीके से, जो हमें नरम चाहिए ड्राई फ्रूट वो हो जाएंगे। तो ये है तरीका। अब आपने क्या करना है, मैंने तो अपना काम कर दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, मेरा काम पसंद आया, आपके दिल को टच किया है, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, ग्लव्स फट चुका है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए